मिलाद नबी के मुकद्दस मौके पर मंगलवार को शहर में जगह जगह आयोजन किए गए थे। इसी श्रृंखला में मंसूर बाबा ऑर्गेनाइजेशन गांचापीठ की ओर से भी प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही सादगी से ईद मिलाद नबी मनाई गई। हर ओर लहराते हुए हरे पंचम, रंगीन रोशनी में दमकती हुई सड़कें और मस्जिदों के मनमोहनी आकर्षक मॉडल, पैगंबर इस्लाम के जन्मोत्सव जश्न ईद मिलादुन्नबी के इस रूहानी मंजर के बीच मरहबा या मुस्तफा की फिजा सदाए गूंज उठी। कोविड की वजह से जुलूस नहीं निकाला गया, लेकिन चहुओर उत्साह का वातावरण रहा। मुस्लिम बंधुओं ने उत्साह से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई। इस बीच प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंसूर बाबा ऑर्गेनाइजेशन गांजापेट की ओर से बड़े ही सादगी से ईद मिलादुन्नबी मनाई गई। इस संदर्भ में मंसूर बाबा ऑर्गेनाइजेशन गांजापेट के अध्यक्ष फैजल रंगुनवाला ने अधिक जानकारी साझा की। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 रबी अव्वल 19 अक्टूबर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। इसमें सारे शहर के लोग खाना खिलाने में और सजावट में सब साथ में मिलकर करते हैं, और जश्न विलादत का ये जो दिन है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन के उसमें मुसलमान खुशी से मनाता है। इसमें खाना खिलाना और गरीबों को कुछ कंबल बांटना, कपड़े, और उनके कई मसले हल करने की भी हम लोग कोशिशें करते हैं। इसमें कई कमेटियां साथ में रहती है, लेकिन इस साल कोविड के ये जो 2 साल रहे हैं इसमें जो प्रशासन की हमको गाइडलाइंस मिली है जो जुलूस नहीं निकालने की, तो इस पे सारे मुसलमान अमल कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले साल में सीपी साहब से वादा हुआ है कि ये कोविड का वो नहीं रहेगा, तो सब मिलके अगले साल आप जश्न की अच्छी तैयारी करें, ये उनका हमें आश्वासन मिला है। तो हम सब ये दुआ करते हैं कि ये साल के बाद जो आने वाला साल है ये जो बीमारी है हमारे हिंदुस्तान से तो हट जाए इंशाल्लाह, है ना। और हम शहर नागपुर मंसूर बाबा ऑर्गेनाइजेशन गांजा खेत के तरफ से बोल रहे हैं, और सारे मेंबर साथ में हैं, और आपसे दुआ है सबसे कि शांति से जो दिन मनाया जाता है उसमें सारा पुलिस प्रशासन एनएमसी ये सब ने बहुत सहयोग किया, हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और डीसीपी रोहित मतानी साहब, भंडारकर साहब, यहाँ के तहसील डिपार्टमेंट से, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं फैसल रंगुनवाला अध्यक्ष। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।